हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में अपने परिवार के साथ अच्छे और कुशल मंगल होंगे। तो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ बाहर जाने के लिए। सैटरडे का दिन है, वीकेंड है, तो वीकेंड बेंगलोर में एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। जितने भी ऑफिस वाले लोग हैं, सैटरडे संडे उन लोग के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होता है, और मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा काम होता है। तो आज मैंने बोला हस्बैंड को कि कहीं बाहर चलते हैं, संक्रांति है और कहीं ना कहीं मॉल में जाना अच्छा लगता है, डेकोरेशन देखना अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं तो उन्होंने जैसी हामी भरी, मैं तो एकदम रेडी हो गई, बट एकदम अच्छे से तैयार हो गई थी मॉल जाने के लिए। मुझे बस थोड़ा सा बोलने भर का देरी होता है कि कहीं बाहर चलते हैं। मैं ऐसे लाइट स्पीड से मैं रेडी होती हूँ जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और पता है, कई लोग तो होते हैं ना जो बाहर जाके थक जाते हैं। मुझे पता है क्या होता है, मैं बाहर घूम के आती हूँ तो मेरे अंदर अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो आपके साथ क्या होता है, बाहर से घूम के आके थके हुए रहते हैं या एनर्जी आ जाती है? तो मेरे साथ तो एनर्जी वाला सीन है, तो मुझे बूस्टर लेने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। और मैं यहाँ रेडी हो गई थी ऑलमोस्ट, और हस्बैंड अभी भी सोए पड़े थे। उन्हें अगर छुट्टी है तो उन्हें बस टीवी के सामने मैच इंजॉय करना अच्छा लगता है। और यहाँ हम लोग क्रॉस कर रहे थे, ये बच्ची बिल्कुल सामने से हट नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि हम लोग स्कूटी साइड से निकाले, लेकिन वो उसको देख के हम लोगों को बहुत हंसी आ गई थी। और शाम का टाइम हो गया था बैंगलोर में, और बाहर निकलने की एक्साइटमेंट और खुशी मेरे चेहरे पर आप देख सकते हैं। बैंगलोर निकल गए थे हम लोग और अभी ट्रैफिक नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैंने सोचा कि ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, अचानक से मुझे ट्रैफिक दिख गया। और यहाँ कुछ कुछ बिल्डिंग्स इतनी खूबसूरत लगती है ना, लगता है कि फॉरेन में आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ कुछ बिल्डिंगों को देख के कि लगता है कि ये अलग सी सिटी है। तो यहाँ हम जा रहे थे रॉयल मीनाक्षी मॉल, तो ये घर से अराउंड 3 to 4 किलोमीटर की दूरी पे है हमारे। आज वीकेंड है तो भीड़ भी होगी ही मॉल में, हम लोगों ने सोच रखा। मॉल जाना हम लोगों ने लगभग लगभग छोड़ ही दिया है, क्योंकि पता नहीं क्यों एक होता है ना मन भर जाता है। तो हम लोगों ने इतना मॉल घुमाया है कि मन भर गया है हमारा। और ये मॉल में पार्किंग का चक्कर ना बड़ा झमेला लगता है। पहले तो पार्किंग खोजो, पार्किंग लगाओ, फिर जाते समय पार्किंग का अपना जगह खोजो कि कहाँ लगाया था, फिर जाते समय उन्हें पैसे भी दे के जाओ। तो ये और यहाँ पे मकर संक्रांति की बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया था मॉल के सेंटर में। तो रॉयल मीनाक्षी मॉल था, यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शंस भी हो रहे थे, प्रोग्राम भी चल रहा था सेंटर में। तो मुझे था कि अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं। बहुत जगह सेल 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 लिखा था, और ये वर्ड सुनते ही मेरे कानों में जैसे लगता है कि शहनाई बज जाती है। तो यहाँ पे एक डेकोरेशन डेकोरेटिव आइटम का एक शोरूम था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। आपको ऑनलाइन जितने भी डेकोरेशन आइटम दिखते हैं, लग रहा था कि सारे के कलेक्शन यहाँ पे है। तो मुझे तो लग रहा था मैं सब खरीद लूँ। मुझे डेकोरेटिव आइटम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं जब सोचती हूँ कि जब मेरा अपना घर होगा तो मैं एक ज़रूर खरीद अच्छे अच्छे डेकोरेटिव आइटम से अपने घर को सजाऊंगी। और यहाँ हस्बैंड सेल देख के वो भी लग गए थे अपना चीज़ देखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेंड्स में गए थे, तो वहाँ कुछ खास समझ नहीं आया और डील अच्छा नहीं लगा। फिर हम लोग मैक्स में गए, मैक्स की डील हमें इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। ये लेदर जैकेट मुझे बहुत अच्छा लगा था, और उसके बाद मेरी नज़र पड़ी इस ब्लैक लेदर जैकेट पे, जो कि मुझे और भी अच्छा लगा। तो ये लेदर जैकेट था 1500 रुपये का, 3000 का MRP था, 15% ऑफ यानी 1500 रुपये। तो ये था मीडियम साइज़। तो मैंने सोचा कि नहीं बिल्कुल, अगर मुझे ये अच्छा हुआ तो मैं तो इसे ले लूँगी। तो मैं यहाँ ट्राई करने लगी थी बाहर में ही, तो ये लग तो बहुत अच्छा रहा था, कंफर्टेबल भी काफ़ी था, लेकिन मैं इसमें जिप नहीं लगा सकती। जिप लगा लूँगी लेकिन थोड़ा टाइट लग रहा था, मुझे लग रहा था एक साइज़ लूज़ रहता। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।